वेद व्यास जी ने कहा है कि जैसे जल से अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही मन को ज्ञान से शांत करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मन बड़ा चंचल। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को बस में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को बस में करना मुझे कठिन लगता है। इसे बस में करने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह ठहर नहीं सकता, चलायमान रहता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला लोभ, मोह और ममता से पूरी तरह विरत हो जाने वाला व्यक्ति निश्चय ही मन को बस में कर सकता है। आध्यात्मिक विभूति आनंदमयी मां कहा करती है कि मन को बस में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाएं रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा पर संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने और न बुरा उच्चारित करें। यदि आंखों से दूषित दृश्य देखोगे, कानों से अश्लील वार्ता सुनेंगे, तो मन स्वतः दूषित हो उठेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कुछ समय एकांतवास करने, मौन रखने तथा सत्साहित्य का पठन पाठन करने की ओर प्रवृत्त किया है। आचार्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती तो यह भी कहा करते थे कि मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदार और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त किया सात्विक भोजन करता है, वही मन को बस में रखने में समर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, इस छोटे से प्रेरक प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि अगर मन को अपने बस में करना है तो सभी अविचारणीय जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी चीजों को हमें त्याग करना चाहिए। मन को बस में करने के लिए हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध बातें, अच्छी बातें करते रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से भी अच्छी बातें करें, अपना वातावरण अच्छा रखें। ऐसा करने पर हमारा मन हमारे पास रहेगा और नियंत्रित भी रहेगा। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी, कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।